वहां पर फिर ऑर्डर मिलता है कि 30 नमाज करनी है, तो ये प्रोसेस बार बार चल रहा है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 हो गए, फिर वापस गया 5, अब 5 नमाज का हुक्म हुआ तो वापस आए। अब ये जो अरेबिया वाला पैगंबर है मोहम्मद, ये जिस टाइम तो मदीना में था, वहां पर तो बहुत सारा एक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो, लेकिन जब ये मक्का में था, स्टार्टिंग वाले जो 12-13 साल हैं पैगंबर बनने के बाद के, उनमें एक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो है, जैसे कहा जाता है जन्नत की जो यात्रा है मोहम्मद की, वो इसे अरबी भाषा में शब्बे मिराज कहते हैं, कि एक रात को, अब इसकी जो स्टोरी है वो कुरान में एक दो रेफरेंसेज हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले जो हदीस में इसके बारे में दिया वो सबसे पहले चेक करते हैं। और एक हदीस इसकी आती है बुखारी में, वो क्या है, जो हाँ जो बुखारी वाली हदीस है, ये है वॉल्यूम 4 बुक नंबर 54, और जो हदीस है दैट इज 429। इस हदीस के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि एक बार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में कहीं पे सो रहा था रात को, जो उसकी स्थिति थी वो जागने और सोने के बीच में थी, कि आधी नींद आ रही थी, पूरी तरह से नहीं सोया था। एकदम से क्या होता है कि कोई आता है इसके पास, अब वो अलग अलग रेफरेंसेज हैं, एक जगह पे है कि जिब्रील आता है, कैसे आता है उसकी भी डिस्क्रिप्शन अलग है, एक जगह पे है कि एकदम से जो छत है वो फटती है और जिब्रील आता है, और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की यहां गर्दन से लेके एब्डोमन तक काट दिया जाता है। एक सोने की थाली लेके आते हैं जिसमें ईमान यानी बिलीफ इनका और विजडम यानी कि अकल, ये दोनों चीजें एक सोने की थाली में लेके आते हैं। जब इसको फाड़ा जाता है तो वो दोनों चीजें इसके अंदर भर दी जाती हैं, जमजम के पानी से साफ किया जाता है और फिर उसको बंद कर देते हैं। ये अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी वेरिएशन मिलेगी, जैसे किसी जगह आ जाएगा कि कुछ फरिश्ते आए, कुछ जगह आएगा दो फरिश्ते आए, किसी जगह आएगा कि जिब्रील आया। अब ये जो पर्टिकुलर हदीस है इसमें क्या है, वाइल आई वॉज एट द हाउस इन अ स्टेट मिडवे बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, एज द मैन लाइंग बिटवीन टू मैन, अ गोल्डन ट्रे फुल ऑफ विजडम एंड बिलीफ वॉज ब्रॉट टू मी, एंड माई बॉडी वॉज कट ओपन फ्रॉम द थ्रोट टू द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमन, एंड देन माई एब्डोमन वॉज वॉश्ड विद जमजम वाटर एंड माई हार्ट वॉज फिल्ड विद विजडम एंड बिलीफ। तो यहां पर यह नहीं बताया कि किसने आके किया, बस मुझे यहां गर्दन के पास से लेके एब्डोमन तक खोला गया, जमजम के पानी से साफ किया, मेरे दिल को धोया गया, उसके अंदर ईमान डाला, उसके अंदर अकल डाली और फिर उसे बंद कर दिया गया। इनिशियल प्रिपरेशन है कहीं ले जाने के लिए। उसके बाद एक जानवर को लाया जाता है इनके पास, क्योंकि सवारी करनी है तो एक जानवर आता है। इसमें फिर से अलग अलग रेफरेंसेस हैं, जो इब्न इज़हाक ने जो बायोग्राफी लिखी है, जो सबसे पहली बायोग्राफीज में से एक है, उसके अकॉर्डिंग जो जिब्रील है वो बुराक को पकड़ के लेके आता है। अब ये बुराक जानवर है जो इस्लामिक लिटरेचर में ही मिलता है हमें, खच्चर से बड़े साइज का है लेकिन घोड़े से छोटे साइज का है, और इसके पंख हैं जिनसे कि ये उड़ के जा सकता है। तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास लेके आते हैं तो शायद वो थोड़ा हिचकता है जो जानवर है, तो जो जिब्रील है वो उसे कहता है कि ए बुराक, तुझे शर्म नहीं आती कि अल्लाह की नजर में जो सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी है वो मोहम्मद है और वो तेरे ऊपर सवारी करने वाला है और तू हिचक रहा है। तो इस डांट से वो जानवर इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसको पसीना छूटने लग जाता है। एनीवे, फिर जो ये पैगंबर है वो उस बुराक के ऊपर बैठता है, और बुराक की खासियत क्या है कि वो एक जंप में इतनी दूर जा सकता है जितनी दूर तक उसकी नजर देखती है। तो अगर सामने खाली मैदान है जहां तक उसकी नजर जा रही है, एक ही जंप में बुराक वहां तक पहुंच सकता है, राइट? अब ये कहां कहां जाता है, यहां पर इस जो हम हदीस पढ़ रहे हैं बुखारी वाली, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बीच में कुछ डिटेल्स मिसिंग है, वो हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो कहां लेके जा रहा है उसको, हेवन में। When I reached the nearest heaven, Gabriel said to the heaven gatekeeper, तो यानी पहले जो सबसे पहला आसमान है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इस्लामिक लिटरेचर है इसके अकॉर्डिंग जो आसमान है वो एक नहीं है, या आसमान कोई खाली जगह नहीं, आसमान कई तरह की छतें हैं। तो जब ये पहले
आसमान पे फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो वहां पर एक गेट कीपर है, वो पूछता है कि कौन आया है। तो जिब्रील बोलता है कि मैं हूं जिब्रील। तो बोलता है अकेले हो तुम्हारे साथ कोई और है? तो बोलता है मेरे साथ मोहम्मद है। तो क्या इसे बुलाया गया है? हाँ इसे बुलाया गया है। तो इसके बाद वो गेट खोलता है, तो गेट खोलता है, ये अंदर जाते हैं तो वहां पर अब सारे इनको वेलकम करते हैं, या जो ये जो पहला लेवल है, जो पहला आसमान है, वहां पर कौन है? उसका इंचार्ज है आदम, एडम या आदम, जो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जिसने इंसानियत शुरू करी है, जो सबसे पहला इंसान था वो एडम, वो एडम सबसे पहले आसमान पे प्रेजेंट है, वो इसको वेलकम करता है। फिर उसके बाद ये दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं, दूसरे लेवल पे भी सेम जो प्रोसेस है रिपीट किया जाता है कि गेट कीपर पूछता है कौन है, ये बोलते हैं जिब्रील है, पूछते तुम्हारे साथ कौन है, मोहम्मद है। तो ये वाला प्रोसेस सारे सातों आसमानों पे चलेगा, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। तो जब ये दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां पर जीसस और याहिया, इस्लाम में उसको याहिया लिखा जाता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि जॉन की बात करें, जो जकारिया का बेटा था जॉन, वो और जीसस, ये दोनों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दूसरे लेवल पे या दूसरे आसमान पे मिलते हैं। अगले लेवल पे कौन मिलता है? अगले लेवल पे जोसेफ प्रेजेंट है, जिसे यूसुफ लिखा जाता है इस्लाम में, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलता है। फिर ये उससे ऊपर वाले लेवल पे चलते हैं तो वहां पर इद्रिस मिलता है। अब ये इद्रिस नाम बाइबल में कहीं, बाकी तो सारे बाइबल वाले नाम है, इद्रिस बाइबल में देखने को नहीं मिलता। तो उसको कंपेयर करने की ट्राई की जाती है कि जो बाइबल में एनोक एक नाम आता है एक प्रॉफेट का, कि इद्रिस उसके बारे में रेफर किया जा रहा है। चलिए अब अगले लेवल पे चलते हैं, तो अगले लेवल पे आरॉन मिलता है, बाइबल का आरॉन और इस्लाम का हारून मिलता है। वहां से आगे चलते हैं, जो अमराम का बेटा है और इस्लाम के अकॉर्डिंग इमरान का बेटा है हारून, उसे ऊपर वाले लेवल पे चलते हैं तो मोसेस मिलता है, जो आरून का भाई है और इस्लाम में जिसे मूसा कहा जाता है। तो छह आसमान हो गए। जब सातवें आसमान पे पहुंचते हैं तो वहां पर अब्राहम मिलता है या इब्राहिम मिलता है। तो इस तरह से सात आसमानों पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक रात में ट्रेवल किया और जिब्रील इनके साथ साथ रहा। अब जो टॉप मोस्ट लेवल है जहां पर अब्राहम है, वहां पहुंचने के बाद इन्हें वहां पर अल्लाह का घर दिखाई देता है। इस अल्लाह के घर को बैतल मामूर कहा जाता है। अब कुछ जगह उसको अल्लाह का घर स्पेसिफिकली बोला है, लेकिन बैतल मामूर उसके लिए जरूर यूज किया जाता है, कि एक बहुत बड़ा घर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वहां पे देखा। और इसने पूछा जिब्रील से या अब्राहम से कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने बताया कि बैतल मामूर है और ये इसकी खासियत क्या है। धरती पे जो काबा है वो सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये जो सातवें आसमान पे एग्जैक्टली काबा के ऊपर बना हुआ है बैतल मामूर, और हर रोज 70,000 फरिश्ते आते हैं जो यहां पे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे ये लोग तवाफ बोलते हैं, और ये 70,000 फरिश्ते सात चक्कर लगाने के बाद वहां से चले जाते हैं और वो फिर कभी वापस नहीं आते। तो हर रोज 70,000 फरिश्ते इस बैतल मामूर के चक्कर लगाते हैं। हां नहीं, उनका कहना है कि ये जो जितने भी फरिश्ते हैं वो सब निकलते जा रहे हैं, और अब क्योंकि इतने सारे फरिश्ते हैं, इंसानों से बहुत ज्यादा संख्या है उनकी, तो इन फरिश्तों का दोबारा कभी नंबर नहीं आने वाला कि वो वहां पर फिर से तवाफ कर सके। और ये सारे का सारा जो शब्द मिराज है ये क्यों किया गया? ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो इनका पैगंबर है और उसे चुना गया है, राइट? अब इसके बाद ये वापस आ जाते हैं। हाँ, जब वापस आना है तो वही टॉप पे जो सेवंथ हेवन है वहां पर इनको ऑर्डर दिया गया कि तुम और जितने तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, यानी मोमिन या मुसलमान आप जो मर्जी कह सकते हैं, उनको रोज 50 बार नमाज पढ़नी है दिन में। तो इन्होंने बोला ठीक है पढ़ेंगे, नीचे उतरे। तो नीचे उतरते हैं तो नीचे इनको मोसेस मिलता है, मूसा मिलता है। वो पूछता भाई क्या हुआ? तो बोले मैं ये चीजें देख आया हूं और मुझे कहा गया कि 50 बार नमाज करनी है। तो मोसेस उसे समझाता है कि इंसान बड़े बेकार लोग होते हैं, इनको 50 बार नमाज करना बड़ा मुश्किल है, मैंने ट्राई किया था, जल्दी से बात नहीं मानते, तो तुम जाके कम करवा लो। तो मोहम्मद ये बात सुन के वापस सातवें आसमान पे पहुंचता है। तो फिर
वापस आता है तो मूसा को फिर से मिलता है, वो बोलता है कि अब मुझे और मेरे फॉलोअर्स को 40 नमाज रोज की करनी है। तो मूसा बोलता है नहीं, 40 भी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है लोग कितने निकम्मे होते हैं, वापस जाओ। फिर वापस जाता है, वहां पर फिर ऑर्डर मिलता है कि 30 नमाज करनी है। तो ये प्रोसेस बार बार चल रहा है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 हो गए, फिर वापस गया 5। अब 5 नमाज का हुक्म हुआ तो वापस आए, तो मूसा ने बोला 5 भी नहीं होंगी, वापस करा लो जाके। तो बोले नहीं भाई, अब तो मुझे बहुत शर्म आने लग गई है, 5 कही है तो अब तो हम 5 नमाजें ही करेंगे। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यों इनको 5 नमाज करने का ऑर्डर दिया गया है और किस फॉर्म में वो मैसेज कन्वे किया गया है। हाँ जी, इसे बोलते हैं शब्बे मिराज। अब इसके और जो रेफरेंसेज हैं वो क्या है कि जब ये मक्का से चले वो बुराक पे बैठ के, तो सीधा इन्होंने रुक किया, अलग अलग मस्जिदें देखी और वहां पहुंचे अल अक्सा मॉस्क, जिसको कहते हैं आज हम, जो जेरूसलम में है। अल अक्सा मॉस्क को इस्लाम में तीसरी सबसे होली मॉस्क माना जाता है, जो सबसे दो टॉप पर है, एक तो मक्का वाली होगी, काबा वाली होगी, अल मस्जिद अल हराम बोलते हैं उसे, दैट इज द टॉप मोस्ट मस्जिद। दूसरे नंबर पे जो मदीने वाली मस्जिद, हाँ जो मदीना वाली मस्जिद है वो सेकेंड मोस्ट सेक्रेड मॉस्क है। तीसरी अल अक्सा मॉस्क जो जेरूसलम में है, जहां पर यहूदियों के साथ इनका झगड़ा चलता रहता है। तो वहां पहुंचे तो एक एक्सप्लेनेशन ये है कि वहां पर ये जितने पैगंबर थे पुराने वाले वो वहां पर प्रेजेंट थे, जीसस क्राइस्ट भी वहां प्रेजेंट थे, तो उस मस्जिद में इन सब लोगों ने वहां पर नमाज की और उस दिन उस नमाज का इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बनाया गया, क्योंकि ये बाकी के सारे जो पैगंबर हैं उनसे सुपीरियर पैगंबर हैं। और एक और खास बात कि जो अब्राहम है उसकी शक्ल बिल्कुल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलती जुलती है। ये सब उन्होंने सपने में देखा, इस सपने में या सच में ट्रेवल करके गए तो उसे देखा है जी। नहीं, इस पे फतवे किए गए हैं, फतवा ये है कि जो शब्बे मिराज को नहीं मानेगा उसने कुफर किया है, वो काफिर है, क्योंकि इसको मानना आपके दीन का हिस्सा है। ठीक है, तो अब उसमें आगे और जो रेफरेंसेस आते हैं, जो हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें मिलते हैं बायोग्राफीज में, कि ये सो रहा था अबू तालिब के घर पे, तो जब इसने उठ के वहां बताया, अबू तालिब की बेटी थी उसे, जिसका नाम हिंद था, उसे बताया कि मैंने ये सब हुआ मेरे साथ, कि मैं रात को तुम्हारे साथ यहाँ पे नमाज की थी, अब सुबह नमाज कर रहा हूं, और इन बिटवीन मैं वहां अलक्सा पे भी नमाज करके आया हूं और सेवन हेवंस पे घूम के आया हूं। तो बात वहां फैल गई मक्का में, तो ये बात सुनते ही बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और ऐसा बताया जाता है कि कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया कि हम इतनी गप पे विश्वास नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ते हैं। अब कुछ लोग थे वो अबू बकर के पास गए, अबू बकर पहले से मुसलमान बन चुका है, इसका दोस्त है, तो उन्होंने बोला अबू बकर कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो ये कह रहा है कि मैं रात को अल अक्सा मॉस्क पे जाके आया हूं, जबकि अगर हम जाते हैं ऊंट पर भी जाते हैं तो हमें एक महीना तो जाने को लगता है और एक महीना आने को लगता है। तो अबू बकर ने कहा कि यार वो कहता है कि मुझे अल्लाह के पैगाम आते हैं, उस पे तो तुम विश्वास कर लेते हो, ठीक है, वो तो इससे भी ज्यादा हैरानी वाली चीज है, तो तुम इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो इस पे विश्वास करता हूं। तो अबू बकर ने बोला कि यही पैगंबर है, मैं इस पे विश्वास करता हूं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अबू बकर को कहा कि तुम असिद्दीक हो, असिद्दीक यानी जो सच बोलता है और जो सच का साथ देता है, इसलिए अबू बकर का नाम अबू बकर असिद्दीक पड़ गया। अब इसमें जो कुरान के अंदर रेफरेंसेस हैं बड़े कम है, दो रेफरेंस आते हैं इसमें, एक तो जो 17th चैप्टर की पहली आयत है उसमें तो क्लियर रेफरेंस है, वो क्या है मैं पढ़ता हूं एक बार, वो अल्लाह पाक व पाकीजा है जिसने अपने बंदों को रातों रात मस्जिदुल हराम यानी काबा वाली मस्जिद से मस्जिदुल अक्सा तक की सैर कराई, जिसके चौगिर्द हमने हर किस्म की बरकत मुहैया कर रखी है, ताकि हम उसको निशानियां दिखाएं, इसमें शक नहीं कि वह सब कुछ सुनता और देखता है। तो ये एक सबसे क्लियर रेफरेंस आता है शब्बे मिराज के बारे में कुरान के अंदर। इसके अलावा जो मैंने बोला बैतुल मामूर देखा है कि वो जो काबा के एग्जैक्टली ऊपर जो सेवन हेवंस पास करने के बाद घर आता है वो देखा, उसका रेफरेंस आता है
چیپٹر نمبر 52 کی فورتھ آیت میں. اینڈ بائی دا بیت المامور دا ہاؤس اوور دا ہیونز پیرابل ٹو دا کعبہ ایٹ مکہ کنٹینیوسلی وزٹڈ بائی دا اینجلس. یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بیت المامور کا ریفرنس آتا ہے. ہاں باقی کے چیک کر لیتے ہیں. اب یہ ہے ابن اسحاق کی بایوگرافی. وائل آئی واز سلیپنگ ان دا ہجر گیبریل کیم اینڈ اسٹیئرڈ می ود ہز فٹ. آئی سیٹ اپ بٹ سو نتھنگ اینڈ لے ڈاؤن اگین. ہی کیم ا سیکنڈ ٹائم اینڈ اسٹیئرڈ می ود ہز فٹ. آئی سیٹ اپ بٹ سو نتھنگ اینڈ لے ڈاؤن اگین. ہی کیم ٹو می دا تھرڈ ٹائم اینڈ اسٹیئرڈ می ود ہز فٹ. آئی سیٹ اپ اینڈ ہی ٹک ہولڈ آف مائی آرم اینڈ آئی اسٹڈ بیسائڈ ہم اینڈ ہی براٹ می آؤٹ ٹو دا ڈور آف دا ماسک اینڈ دیر واز ا وائٹ اینیمل ہاف میول ہاف ڈنکی ود ونگس on its side with which it prepared its feet putting down each fair foot each four foot at the limit of its sight and he mounted me on it then he went out with me keeping close to me. Iske according ke main ek raat ko soya hua tha to jibril aaya usne mere pair ko hilaya maine uth ke aankhein kholi mujhe kuch dikha nahi main fir se so gaya. Jibril fir se aaya usne dobara mere pair ko hilaya main fir se utha mujhe fir kuch nahi dikha main fir se so gaya. پھر اس نے تیسری بار ہلایا اور مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا اور مجھے پکڑا دروازے سے باہر لے کے گیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا جانور ہے جو کھچر اور گھوڑے کے بیچ کے سائز کا ہے اور اس کے پنکھ ہیں. تو جبریل نے اس کے اوپر مجھے بٹھایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کے چل پڑا. اب جبریل تو اڑ سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹیڈ ہے جو براق ہے اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے. یہ ریفرنس ہمیں ابن اسحاق کی بایوگرافی سے ملتا ہے. ابن اسحاق کا ایک اور ریفرنس, دا اپوسٹل اینڈ گبریل وینٹ دیئر وے انٹل دے ارائیوڈ ایٹ دا ٹیمپل ایٹ جیروسلم دیئر ہی فاؤنڈ ابراہم موزز اینڈ جیزس امنگ ا کمپنی آف ادر پروفیٹس دا اپوسٹل ایکٹڈ ایز دیئر امام ان پریئر دین ہی واز براٹ ٹو ویسلز ون کنٹیننگ وائن اینڈ دا ادر کنٹیننگ ملک دا اپوسٹل ٹک دا ملک اینڈ ڈرانک اٹ لیونگ دا وائن. گیبریل سیڈ یو ہیو بین رائٹلی گائیڈڈ ٹو دا وے آف نیچر اینڈ سو ول یور پیپل بی محمد وائن از فار بڈن ٹو یو. Then the apostle returned to Mecca and in the morning he told Quraysh what had happened. اب یہ دوسرا ایکسپلینیشن ہے کہ وہاں پر جب یہ الاقصی مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر سارے کے سارے جو پیغمبر تھے جیزس کرائسٹ وغیرہ وہ سب پریزنٹ تھے. تو محمد بن عبداللہ کو امام بنایا گیا اس دن نماز کرنے کے لیے اور اس کے بعد محمد بن عبداللہ کے سامنے دو گلاس لا کے رکھے گئے, ایک جس میں وائن تھی اور دوسرا جس میں دودھ تھا. تو محمد بن عبداللہ نے دودھ والا گلاس اٹھایا اور اسے پی لیا. اب اس پر جبریل نے کہا کہ یو آر رائٹلی گائیڈڈ کہ تم صحیح آدمی ہو اور تمہارے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی بالکل صحیح ہوں گے کیونکہ وائن تمہارے لیے فوربڈن ہے منع ہے. تم نے وہ پی ہوتی تو ہم یہ مان لیتے کہ تم مس گائیڈڈ ہو. اسی کا ایک تیسرا ریفرنس آتا ہے. اس میں دو گلاس ہیں, اس میں تین گلاس ہیں, ایک میں وائن ہے, ایک میں پانی ہے اور ایک میں دودھ ہے. اس کے اکارڈنگ کہ جب محمد بن عبداللہ کے سامنے لائے گئے تو اسے ایک آواز سنائی دی کہ اگر تو یہ پانی پیے گا تو یہ اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ ڈوب جائیں گے, اگر یہ وائن پیے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مس گائیڈڈ ہے, اس کے فالوورز بھی مس گائیڈڈ ہوں گے, اگر یہ دودھ پیے گا تو اس کا ارتھ ہے کہ صحیح ٹریک پہ ہے. اور یہ سننے کے بعد محمد بن عبداللہ نے دودھ کا گلاس اٹھایا اسے پی لیا. پھر ابن اسحاق والی بایوگرافی میں ایک اور جو ایکسپلینیشن آتا ہے کہ جب یہ وہاں پہلے والے ہیون پہ یعنی پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے جہاں پر آدم ہے تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ باقی لوگ تو سارے اسمائل کر رہے ہیں جتنے وہاں پر فرشتے ہیں لیکن ایک آدمی کو دیکھا وہ بالکل اسمائل نہیں کر رہا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی اسمائل کیوں نہیں کر رہا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ مالک ہے جو ان کا جہنم ہے اس کا رکھوالا ہے, اس کا گیٹ کیپر ہے. تو نہ اس نے آج تک پہلے کبھی اسمائل کیا ہے نہ آج کے بعد کبھی اسمائل کرنے والا ہے. تو اس نے ریکویسٹ کیا کہ کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ جہنم کیسا ہے, تو انہوں نے مالک کو بولا کہ اس کو دکھاؤ کہ جہنم کس طرح کا ہوتا ہے. تو اس کے کہنے پر اس نے ڈھکن ہٹایا جہنم کا اور اسے دکھانا شروع کیا. تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو آگ کی لپٹیں لپٹیں تھیں اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو تھوڑی دیر یہ دیکھتا رہا, پھر اس نے مالک کو بولا کہ آپ اس کو بند کر لو. تو پھر وہ جو لپٹیں تھیں وہ ایک دم سے واپس چلی گئی اور وہ ایسے واپس جا رہی تھی جیسے کہ کوئی پرچھائی ہے ایک دم سے چھوٹی ہونے لگتی ہے, تو ویسا اس کو دکھائی دیا اور اس کے بعد مالک نے اس کا دروازہ بند کر دیا. ایک اور ایکسپلینیشن جو آتا ہے وہ ہے ایڈم کے بارے میں ہی کہ ایڈم وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس سے اسپرٹس نکل رہی تھی, تو تب اسے پتا نہیں تھا کہ یہ ایڈم ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک اسپرٹ نکلی تو اس نے بولا کہ واہ
ये तो एक अच्छी रूह थी, अच्छे शरीर से आई है, तो खुश हो रहा था। फिर कोई और आत्मा निकली तो एकदम से दुखी हो गया कि बुरी आत्मा है। तो इसने अपने साथ पूछा कि भाई ये कौन है, उन्होंने बताया कि एडम है, जो सारी जो रूहें आती हैं उनको चेक करता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो जब कोई अच्छी रूह आती है तो एक खुश हो जाता है, और जब कोई बुरी रूह आती है तो ये दुखी हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने बताया कि जो पहला हेवन था, जो पहला आसमान था, वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके होंठ जो थे ऊँटों जैसे थे, उनके हाथों में वो जब चल रहे थे तो उनके हाथों में ऐसे पत्थर थे जो मानो आग लगी हुई हो, अंगारे हों। इन पत्थरों को इनके मुंह में डाला जाता था और फिर यही जो अंगारे थे, जो पत्थर थे, उनके पिछवाड़े से बाहर निकल रहे थे। तो ये वो लोग थे जो अनाथों का जो हक है उसको मार जाते हैं, उनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट होती है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके सामने मीट रखा हुआ था। ये मीट दो तरह का था, एक बहुत हेल्दी फैट वाला मीट था, दूसरा लीन मीट था जिसमें से स्मेल आ रही थी। तो ये लोग जिसमें से स्मेल आ रही थी ना, जो स्टिंकिंग मीट था उसको खा रहे थे, जो साफ सुथरा था उसे नहीं खा रहे थे। ये वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह ने जो तो औरतें मुकर्रर की हुई हैं, जो अल्लाह ने फ्री कर रखे हैं उनके लिए, उनको तो नहीं यूज करते, लेकिन जो इनके लिए हलाल नहीं है उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ इस तरह की सजा उन्हें मिलती है। फिर वहां पे देखा कि ऐसी लेडीज हैं जिनको उनके ब्रेस्ट से लटकाया गया है। ये वो लेडीज थी जिन्होंने नाजायज बच्चों को जन्म दिया था, उनको परिवार में लेके आई थी। ये उनकी सजा इसलिए है कि वो एक जायज परिवार में नाजायज बच्चों को लेके उन जायज बच्चों का हक भी मार देती है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है पहले आसमान के बारे में, जो उन्होंने उस रात को शब्बे मिराज को देखा था।